नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र के नागपुर से कथा को बीच में छोड़कर भागने व अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की चुनौती को ना स्वीकार करने के आरोपों के बीच छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सफाई दी है। शास्त्री का कहना है कि वे नागपुर में पिछले 7 दिन तक लगातार कथा करते रहे। इस बीच उन्होंने 2 दिन दिव्य दरबार भी लगाया, तब किसी ने कोई चुनौती नहीं दी है, लेकिन जैसे ही वह कथा से वापस लौटे तो सनातन धर्म विरोधियों ने यह दुष्प्रचार किया है। वहीं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना है कि बागेश्वर धाम के महाराज ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है, जिसके लिए उन पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाए, जिस पर बागेश्वर धाम के महाराज ने करारा जवाब देते हुए कहा है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे भी दरबार लगाते रहेंगे, जिसको संदेह है वह दरबार में आए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए छतरपुर से खेमराज चौरसिया की रिपोर्ट। कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। अच्छा बताओ, ये कैसा निर्णय है हमारा? तुम लोग हमारे साथ हो? इतना जोश में के हौस में जिंदगी भरा के चाहते ना? जो सनातन का विरोध करेगा तो फटरी कौन कौन बाहर? अगर कोई मूवी सनातन के खिलाफ बनेगी तो भाई कब कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, खोल आए बापन के उठाओ। अच्छा मान लो कोई न्यूज चैनल सनातन के खिलाफ लिखेगा तो उसके भाई काट कौन कौन करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अगर कोई साधु महात्मा सनातन का विरोध करेगा तो उनकी छतरी कौन कौन मारेगा? पक्का? सौगंध है बापन की? जाओ हनुमान जी खूब खोज घुमाया, जिनने हाथ में उठाया तो रावण के खान में भगवान छा गो छतरपुर में छा गो। हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता हो ठटरी के बड़ो ले आवे, हम तो फ्री में बता दे ताकि लोग ठटरी को बड़ो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है, ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए तो तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए, 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार प्रेत दरबार, तब का होगा? वो कौन चुड़ियाँ पहन रही थी? अब भी दरबार लग रहा है, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है, ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं गरीब बेटियों के विवाह में लगावे, हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे से सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए साथ और कुछ भी नहीं। सीताराम।